कुछ जगहों को छोड़ दें तो अब ज्यादातर लोगों के बीच से कोरोना वायरस का डर कम हो गया है, लेकिन एक नई मुसीबत धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। बात मंकी पॉक्स की हो रही है, जिसने भारत में भी कदम रखना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में एक बार फिर मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने के बीच खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने वायरस के एक नए दर्दनाक लक्षण का पता लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक 28 जुलाई तक ब्रिटेन में 2469 मामले सामने आए थे। चिंता की बात यह है कि अब मंकी पॉक्स ने लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। एक और मंकी पॉक्स के केस बढ़ रहे हैं, तो वहीं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक नई स्टडी का दावा है कि वायरस की चपेट में आने वाले लोगों में अब आम लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मंकी पॉक्स के मरीजों में एनस में दर्द और पेनिस में सूजन जैसे कुछ नए लक्षण पाए जा रहे हैं। ये लक्षण वायरस के पिछले मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में फैले प्रकोप में नहीं देखे गए थे। अध्ययन के लेखकों ने कहा है कि नए निष्कर्ष समलैंगिक, बाइसेक्सुअल और दूसरे पुरुषों जिन्होंने वायरस प्रभावित देशों के पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हों के बीच मंकी पॉक्स के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि करते हैं। वायरस का कहर यूरोप में भी देखने को मिल रहा है, जहां मंकी पॉक्स से अब पहली मौत दर्ज की गई है। संक्रमण के शुरुआती मामलों को रिपोर्ट करने वाले स्पेन में मंकी पॉक्स से पहली मौत हुई है। इससे पहले संक्रमण से मरने वाले 5 लोग अफ्रीकी देशों से थे। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 4298 मामले सामने आ चुके हैं। वायरस से मरने वाले मरीज के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। स्पेन में मंकी पॉक्स के सभी पुष्ट मामलों में सिर्फ 64 महिलाएं हैं। साउथ अमेरिका में भी मंकी पॉक्स से पहली मौत दर्ज की गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्राजील के एक शख्स के संक्रमण से मरने की जानकारी दी। 41 साल के शख्स को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसका नाम उजागर नहीं किया है। वह मंकी पॉक्स की चपेट में कैसे आया और वह कब से संक्रमित था, इस बारे में भी बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। WHO के अनुसार शुक्रवार तक करीब 22,124 मामले सामने आए थे। इनमें 70% मामले यूरोप और 25% मामले अमेरिका से हैं।